हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठी जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 7 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 26 जुलाई 2021। आज की वर्कशीट में भी हम संख्याओं की जानकारी के बारे में ही जानेंगे, लेकिन लास्ट वाली वर्कशीट में हमने जोड़ना सीखा था, है ना। आज हम क्या सीखेंगे? घटाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम संख्या रेखा पर सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमको 8 में से 3 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा यहाँ पर बनाएंगे जिसमें यहाँ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डालेंगे, ठीक है। अब 8 में से 3 घटाना है ना, तो आप क्या करो, 8 पे आ जाओ और 8 से 3 स्टेप ऐसे आप पीछे आ जाओ, जितना घटाना होता है उतना पीछे आ जाए करो। तो 5 पे आ गए, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो आप संख्या रेखा पर कोई सा भी नंबर जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो जब घटाना होता है तो जितने में से घटाना होता है आप उस बिंदु पे, उस नंबर पे जाओ, ठीक है, और जितना घटाना होता है उतना स्टेप पीछे आ जाओ। तो जहां पर आप पहुंचे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं, 7 मेंढक एक लकड़ी के तने पर बैठे हैं, उनमें से 2 वहां से कूद गए, लकड़ी के तने पर कितने मेंढक बचे हैं। देखो आपसे वो कह रहे हैं कि कुल मिला के 7 मेंढक जो है ना वो एक लकड़ी पे बैठे हुए हैं, लकड़ी के तने पे बैठे हुए हैं, ठीक है। उसमें से 2 उड़ गए, तो बताओ कितने बचे। तो अब देखो ना कितने बैठे हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 ही तो बैठे हैं, क्योंकि ये 2 तो उड़ गए हैं, है ना। तो आपके कितने मेंढक बचे, तो 5 मेंढक बचे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं घटाव क्या है ये। तो कम करना, घटा, कम, अंतर, काटना, कमी, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, घटाव ही बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी ये चीजें लिख के आए, इनमें से कोई सा भी अक्षर लिख के आए, तो आप समझ जाओ आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। अब एक उदाहरण आपको दे रखा है, 47 में से 28 को क्या करना है, हमें घटाना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 47 और यहाँ पर लिखते हैं 28 और घटा देते हैं। देखो 7 में से 8 तो माइनस ही नहीं हो सकता, नहीं जा सकता ना, क्योंकि 7 जो है वो एक छोटी संख्या है और 8 जो है वो बड़ी है। तो आप क्या करो, ये इसको 4 जो है वो 7 को कैरी देगा, तो 17 बन जाता है, तभी यहाँ पर ये 17 इकाई बन गया। जब भी दिहाई इकाई को कैरी देता है तो उसमें 10 प्लस हो जाता है, ठीक है। अब 17 और 8 ये दोनों इकाई पे ही लिखे हुए, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये दोनों दिहाई पे लिखे हैं 3 और 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है जैसे हमने जोड़ने में समस्या समाधान किए थे, है ना, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो कुछ स्टेप्स उसके यहाँ पर आपको दे रखे हैं, लेकिन हम इसे क्वेश्चन के साथ ही समझे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है, एक स्कूटर की कीमत कितनी दे रखी है आपको, 54,500 है, और मोटर बाइक की कीमत दे रखी है 60,925। कौन सा वाहन महंगा है और कितना महंगा है। देखो यहाँ पर 2 चीजें, एक स्कूटर है और एक बाइक है, दोनों की कीमत आपको दे रखी है। पहले तो आपको यही बताने हैं कि किसकी कीमत ज्यादा है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि बाइक की कीमत ज्यादा है, क्योंकि ये 60,000 कुछ है और ये कितना है, 54,000 कुछ है, तो 60 ही तो ज्यादा होगा, है ना। तो ये तो देख के ही पता चल गया कि मोटर बाइक की कीमत ज्यादा है। अब आपको ये भी बताना है कि कितना ज्यादा है। तो अगर मैं मोटर बाइक की कीमत में से इस स्कूटर की कीमत को घटा दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मोटर बाइक कितनी ज्यादा महंगी है स्कूटर के हिसाब से, ठीक है। तो 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 ही आएगा, 2 में से 0 को करेंगे तो 2 ही आएगा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो, सॉरी, 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब 0 में सिर्फ तो 4 नहीं जा सकता, तो कैरी लेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, 5, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब 6,425। कितना महंगा है, महंगी है बाइक स्कूटर से, ठीक है। तो मोटर बाइक की कीमत 6,425 रुपये महंगी है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। पहले कह रहा है कॉलम में व्यवस्थित करें और घटाएं, पहले आप इन्हें कॉलम में लिखिए और फिर घटाना है। तो 118 से 453 को, तो 453 देखो ये बड़ा नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे 453 को, और फिर यहाँ लिखेंगे 118। अब हम घटाएंगे तो 3 में से 8 तो नहीं जा सकता, कैरी लेके ये 13 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो आपके पास 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3। ये फर्स्ट वाले का आपका आंसर आ गया,
कॉलम में लिखा और फिर घटा दिया। ऐसे ही दूसरे वाले को देखते हैं, 5654 से 7634, तो 7634 बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर, और उसके बाद 5654 जो है वो छोटा नंबर है, तो उसको नीचे लिख देंगे और अब घटा देंगे। तो 4 में से 4 गया तो 0, 3 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लिया तो यहाँ 13 बन गया, यहाँ 5 बन गया। 13 में से 5 गया तो 8, 5 में से 6 नहीं जा सकता, कैरी लिया तो यहाँ 6 बन गया और यहाँ 15 बन गया। 15 में से 6 गया तो 9 बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, तो 1980 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर 50,000 से 45,85872 कितना कम है। देखो आपको ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। अब आपको ये बतानी है कि ये कितनी छोटी है। तो अगर मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दूंगी, घटा दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी कितनी छोटी है वो। तो 4, 5 आपके पास यहाँ था, 8, 7, 2 तो घटा दो। अब देखो 0 में से 2 तो जा ही नहीं सकता, कैरी ले लेते हैं। कैरी ले किससे, सारी तो 0 ही है, तो ये कैरी देना शुरू करेगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 10। इसने इसको दिया, अब ये जो 10 बन गया इसने क्या किया, दूसरे को दे दिया। अब इसने क्या किया, इसको दे दिया, तो इस पे 9 ही रह जाएगा। अब इस पे 9 रह गया और इसने इसको दे दिया। अब 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 4 में से 4 गया तो 0 बचा। इसका मतलब ये कितना छोटा था, इस 50,000 से 4128 छोटा था। ठीक है, इतना कम था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है, कितना है, 700 है। यदि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या भी दे रखी है आपको, 3340, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जब हम घटाते हैं तो उनका अंतर निकल के आ जाता है। इस बार वो अंतर आपको पहले से ही दे रखा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, वो आपको कितना दे रखा है, 700। बड़ी संख्या भी आपको यहाँ पर दे रखी है, तो बड़ी संख्या आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, 3340। छोटी संख्या आपको निकालनी है, तो अगर आप बड़ी संख्या में से जो ये अंतर है इसको घटा दोगे तो आपकी छोटी संख्या निकल जाएगी। तो छोटी संख्या हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर 3340 में से इस 700 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 4, 13 और यहाँ 2 बन जाएगा, कैरी ले लिया, यहाँ पर 6 और 2, तो ये आपकी क्या आ गई, छोटी संख्या आ गई। तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख दो कि आपकी छोटी संख्या कितनी निकल के आई है, वो आपकी आ गई 2640। ठीक है, तो ये थी आपके पास छोटी सी वर्कशीट जिसमें 3 क्वेश्चन हमें खुद से करने। अब एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, बहुत ही आसान सा दूंगी। आपको क्या करना है, इसको घटा के बताना है कि कितना आएगा। ये तो आप जल्दी से माइंड में भी घटा सकते हो और फटाफट से मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपका कितना आंसर आया, है ना। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसको माइनस करके आपका क्या आया। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।